अपने आप को लॉजिकली स्ट्रॉ कर पाओ बहुत बार आप मेरे से पूछते हो कि सर लॉजिक को कैसे इंप्रूव किया जाए दिस इज क्या फर्दर अपॉर्चुनिटी है क्या मैं अब टारगेट कर सकता हूं गूगल एमेजोन को क्या फायदे हैं अगर आप डेटा स्ट्रक्चर अलग्रथम को कर लेते हो तो इसके बारे में बात कर लेते हैं ओके सो हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे सो फाइनली गाइज़ वेडनसडे का दिन है और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और हमेशा की तरह हर वेडनसडे आता हूँ और ऐसा कोशिश करता हूँ कि एक आपको बेटर वीडियो दूँ और अच्छी एडवाइस दे पाऊँ इस वीडियो को देखने के बाद गाइज़ जो भी आपके डाउट्स है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को लेके वो एकदम दूर हो जाएंगे ये मेरा आपसे प्रॉमिस है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ध्यान से सुनिए जो मैं बातें बोल रहा हूँ अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो और एक क्वेश्चन आता है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर क्या मुझे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करना चाहिए डू वी रियली नीड टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो भी है सर प्लीज़ क्लियर कर दो अभी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ क्या मुझे अपने आप को बेटर करने के लिए सीखना चाहिए मैं ट्राई करूँगा गाइज इस वीडियो के थ्रू मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ सब बातें आपको बता दूँ क्या फ़ायदा होगा अगर आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम करोगे और नुकसान क्या है ठीक है तो यहाँ पे बात वैसे हम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की बट मैं ओवरऑल बात करूँगा एंटायर क्योंकि यहाँ वेब डेवलपमेंट की बात नहीं है आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो कोई लैंग्वेज यूज़ तो कर रहे हो ना तो डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे है ठीक है और डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में शुरू करते हैं अभी फ्रेशर्स के लिए बात करूंगा मैं एक्सपीरियंस के लिए भी बात करूंगा, करूंगा ठीक है तो चलिए गाई शुरू कर दे वीडियो को अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना क्योंकि गाई ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना मेरा मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये सबके पास जानी चाहिए ताकि हर कोई सही तरीके से आगे बढ़ सके ठीक है मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एज बढ़ती है इंक्रीज़ होती रहती है टाइम के हिसाब से हर साल बढ़ती रहती है ना और होता क्या है कि कभी कभी हम सोचते हैं काश मुझे ये चीज़ें एक दो साल पहले पता चल जाती ठीक है सो मुझे बस यही है कि ये वीडियो हर जगह जानी चाहिए और वो काम आपका है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को देखिए डेटा स्ट्रक्चर है क्या तो आप में से काफ़ी लोग कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते होंगे उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर इन सी वहाँ पे दे आर टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लीनियर एंड नॉन लीनियर इन इन लीनियर वी हैव वॉट एर ए क्यू लिस्ट नॉन लीनियर के अंदर आप ग्राफ पढ़ते हो फिर हैश मैप है अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बनी बनाई एल्गोरिथम मिलती है आपको जैसे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो गई जिसमें आप कुछ क्या करते हो अगर आपके पास के पास अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं उन्हें आपको सॉर्ट करना है तो आपके पास वॉटिंग एल्वोरिथम है आपके पास सर्च करने के लिए सर्चिंग बाइंडरी सर्च है लीनियर सर्च है तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पढ़ते हो उससे क्या होगा क्यों पढ़ते हैं ताकि आप लॉजिकली सोच पाओ अपने आप को लॉजिकली स्ट्रांग कर पाओ बहुत बार आप मेरे से पूछते हो कि सर लॉजिस्ट को कैसे इंप्रूव किया जाए दिस इज़ अ वे गाइज अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में जाओगे काम करोगे प्रोग्राम्स बनाओगे उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके देखिए डेटा स्ट्रक्चर क्या है जो भी आपके पास डेटा होगा उसे आपने कैसे स्टोर करना है उसके अलग अलग वेज हैं एरे है लिंक लिस्ट है क्यू है, है वो आप अप्लाई करोगे डेटा पे आपका डेटा स्टोर हो जाएगा और अगर आपके पास एक बार डेटा आ भी जाता है उस पर कैसे आपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या कैसे आपने दूसरा लॉजिक लगाना है डेटा फिल्टर होने के बाद वो आप कर सकते हो ठीक है अपना खुद का लॉजिक बना सकते हो और उसको एक नई एल्गोरिथम का नाम दे दे तो वो गलत नहीं है वो सही है एल्गोरिथम क्या होता है कुछ सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे बने बनाए जैसे कि अगर आपको कुछ शॉर्ट करना है तो क्या करोगे सेंडिंग ऑर्डर में करना है उसका एल्गोरिथम बना हुआ है तो वो शॉर्ट कर देगा अब आपके पास डेटा आ गया शॉर्ट करने के बाद वो एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद उसके बाद आप खुद की एल्गोरिथम भी बना के अप्लाई कर सकते हो कि मैं इस पर अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो ये ऐसे परफॉर्म करेगा तो ये गाइज है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या है आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो खुद का लॉजिक बना सकते हो तो ये तो हो गया डेटा सेचर एलग्रोथ के बारे में अब सवाल ये आता है कि अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ एक वेबसाइट डेवलप करने वाला इंसान हूँ तो क्या मेरे लिए एक्चुअल में नीड है सीखना इसका आंसर मैं भी दे रहा हूँ भी जो फ्रेशर है उनके पास मैं भी आने वाला हूँ बट पहले मैं बात करता हूँ जो एक्सपीरियंस है जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ एक कंपनी में मुझे तीन साल होने वाले हैं जावा में काम कर रहा हूँ ठीक है तो क्या फर्दर अपॉर्चुनिटी है क्या मैं अब टारगेट कर सकता हूँ गूगल अमेजन को देखिए सबके साथ वो चीज़ नहीं होती है हर कोई एज अ फ्रेशर गूगल अमेजन में नहीं जाता है ये आप बात मेरी ध्यान से सुनिए तो होता गया है कि बट येस दिस इज़ ट्रू आफ्टर सम टाइम अगर आपको कोई एम का एक्सपीरियंस मिल गया है एंड इन बिटवीन यू आपको लगता है कि यार मुझे आप थोड़ा सा डेटा सक्चर एलग्रोथम की कुछ चीज़ें करनी चाहिए देन यू कैन स्टार्ट इट्स ऑल अबाउट गाइज माइंड आप कब कैसे डिसीजन ले रहे हो तो जो लोग अभी वेब डेवलपर हैं क्योंकि देखिए जिस कंपनी में मैं काम करता हूं जरूरी नहीं कि वहां पे कोर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है हम एल्गोरिथम बना रहे हैं डेली या कोई नए लॉजिक लिख रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में खास तौर पे बोलना चाहूँगा काफ़ी सारे लोग जो काम कर रहे हैं अभी वो जानते होंगे इस बात को कि प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी डेवलप्ड होता है चेंजेस आते हैं आपके पास उसी प्रोडक्ट में आपको करने होते हैं अप्रोच आपकी हो सकती है अगर आप डेटा सेक्चर करते बहुत अच्छे हो तो आप बेटर एडवाइस दे सकते हो कि इस लॉजिक को हम ऐसे लिख सकते हैं तो वहाँ आपका ये चीज़ काम आएगी जो आपका ये हुनर है डेटा स्ट्रक्चर वाला वरना आपको बेसिक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तो होगी यार अगर आप जावा डेवलपर हो तो आपने कलेक्शन पढ़ा होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें आपने एरे लिस्ट पढ़ा होगा लिंक लिस्ट पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ भी देखोगे एप्लीकेशन के अंदर आप यूज़ करोगे एक कोड को कैसे बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कितना फास्ट वो रिटर्न करेगा मेरी रिजल्ट ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके पास एप्लीकेशंस उनकी कंपनी की हैं उन पे वो काम करते हैं ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर वहाँ यूज़ नहीं होता हाँ आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो है देन यू कैन डू वहाँ पे आप अच्छे से काम कर सकते हो और पैसा भी अच्छा आप ले सकते हो ठीक है अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है आपको अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं ये ये तो पता होने चाहिए उसके बेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना अपना लॉजिक बनाना और लॉजिक बने बनाए भी होते हैं उनको भी आप समझ सकते हो बहुत सारे एल्गोरिथम्स का यूज़ करके आप अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हो उन एल्गोरिथम को सीख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो नंबर्स को सॉर्ट करती है ठीक है आपने असेंडिंग में किया सॉर्ट कर लिया अब आपने सॉर्ट कर लिया उसने आपको क्या किया नंबर सॉर्ट करके दे दिया ठीक है उसके बेस पे अब जो नंबर्स आपके पास आए हैं उस पर आप कुछ अपना लॉजिक लगा सकते हो ठीक है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जो डेटा आपके पास आया वो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो जितना आप वो चीज़ें करोगे उतना आप लॉजिकली स्ट्रांग रहोगे ठीक है तो जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं वो अभी तीन साल ढाई साल तीन साल चार साल जो भी हैं वो भी सीख सकते हैं उनको लैंग्वेज तो आती है वो जल्दी सीख जाएंगे उनको बस करना क्या है उनको गूगल पे जाना है कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन निकालने हैं जैसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ठीक है वो क्वेश्चन निकालने वहाँ पे कोर डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको प्रैक्टिस करना है आप बेशक पहले देख लो कैसे लॉजिक काम कर रहा है ठीक है एकदम से नहीं आएगा मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप एकदम देखोगे ना उस लॉजिक को समझ ही नहीं आए आएगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो एल्गोरिथम कैसे काम करती है क्या पर्पस है उस एल्गोरिथम का समझो अगर आप इसको प्रैक्टिस में कुछ टाइम तक ले आओगे फिर आप हैकर जाओ वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसकी आप प्रैक्टिस करो फिर ट्राई करना शुरू करो बाहर इंटरव्यू देना ठीक है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी जो लोग फ्रेशर हैं उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉलेज टाइम के दौरान बेसिक एस जो आप कर रहे हो वो चीज़ें आप करते रहो कोई दिक्कत नहीं है बट साथ में अगर आपको टारगेट करना है एज अ फ्रेशर ही मैं देख रहा हूँ काफ़ी एज अ फ्रेशर हायर हो रहे हैं गूगल में अमेजन में फ़्लिपकार्ट में उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने सेमेस्टर वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और डेटा स्ट्रक्चर पे ज्यादा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एटलीस्ट वो कर लें उसके बेस पे कुछ प्रोग्राम्स बनाएं और हैकर रैंक पे अपने को रजिस्टर कर लें वहाँ काफी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं वो आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा सो so गाइज मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि एटलीस्ट आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ठीक है अब आप सिंपल सी बात अगर आप एक डेवलपर हो आपको कोई लैंग्वेज तो आती होगी तो वहाँ पे आपने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे एरे हो गया लिंक लिस्ट हो गया या क्यू हो गया अब यूज़ नहीं कर रहे हो एक अलग बात है बट आपने पढ़े होंगे अगर आपने आगे उस लाइन में जाना है तो आपको और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आप कहते हो नहीं ठीक है मेरी कंपनी में ये काम होता है इसके बेस पर मेरे को आगे चलना है तो हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है, है कि उनकी प्रायोरिटीज़ हैं बट अगर आपका माइंडसेट है आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करना है सिंपल सी बात है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे पैसे ज़्यादा मिलेंगे कम्पेयर अगर आप कंपेयर करते हो सर्विस बेस से तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर है तो अगर वो आप राउंड क्लियर कर देते हो उनका तो आपको आगे फर्दर चांस मिलेंगे देन आप सेलेक्ट हो सकते हो सो दिस इज समथिंग गाइज जो मुझे आपको बताना है क्या फायदे हैं अगर आप डेटा स्ट्रक्चर अलग्रथम को कर लेते हो तो इसके बारे में बात कर लेते हैं इससे फायदा आपको ये मिलेगा देखिए पहला फायदा ये है कि अगर आप कर लेते हो तो आप लॉजिकली स्ट्रांग रहोगे आप हर जगह अपना इनपुट दे पाओगे इस प्रोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आप ये बात गाइज अच्छे से जानते हो कि एक प्रोग्राम अगर अजय ने लिखा है तो जरूरी नहीं कि एक ही वे है अलग अलग लॉजिक्स आप बना सकते हो एक चीज को अचीव करने के लिए जब अलग अलग की बात आती है तो वहीं पे ही गाइड आती है क्रिएटिविटी की बात कितना आप लॉजिकली सोच पा रहे हो तो जब वो आप वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो आप लॉजिकली अपने आप स्ट्रॉग होगे तो इससे बहुत फायदा मिलता है लॉजिकली आप अपने आप को बिल्ड कर पाते हो सेकंड आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो अगर आपका डेटा सच्चा एल्गोरिथम स्ट्रांग है तो कोई भी इंटरव्यू ठीक है प्रोग्रामिंग लेवल पर अगर आप किसी लैंग्वेज के बेस पर जा रहे हो तो आप कोई भी क्रैक कर दोगे ये फ़ायदा मिलता है और यू कैन से योर सेल्फ प्रोग्रामर तो आप कह सकते हो बट येस और ज़्यादा आपको अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलेगी नो डाउट अगर आप अब डिपेंड करते हैं ये जॉब यार अगर एक बंदे की जॉब है वहाँ पे सब चीज़ें है ही नहीं तो क्या रिस्पेक्ट तो अपना काम कर रहा है अच्छे से और डेवलपमेंट कर रहा है जो उसको काम मिल रहा है बट येस अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो अच्छे अच्छे लॉजिस्ट को बना पा रहे हो तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा जिस कंपनी में आप हो या फिर आप अपने लिए काम कर रहे हो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहे हो ठीक है अपने जो भी डेवलपर्स रख रखे हैं उनको आप गाइड कर रहे हो तो ये सब चीज़ें चीज़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड आई होप ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझ आ रही होंगी तो जो बिगनर लेवल पर हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं बिगनर के लिए मैंने बता दिया कॉलेज टाइम पे आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर दो जावास्क्रिप्ट में भी आपको मिल जाएगी सीरीज़ डेटा सच एल्गोरिथम की कोई भी लैंग्वेज अगर आप उठाते हो सब में आपको मिलेगी तो जो भी मेरे भाई बंधु हैं इंटरमीडिएट वाले मतलब जो एक्सपीरियंस वाले उनके पास ऑप्शन ये है कि अब मुझे पता है ये बात जो PHP वाले हो कहेंगे सर मेरे पास भी क्या है डेटा सेशल ग्रोथम का स्कोप देखिए PHP में क्या होता है जितनी वेबसाइट्स बनती हैं ई कॉमर्स हो गया ब्लॉगिंग हो गई वहाँ पे इतना यूज़ नहीं होता पैटर्न सेम रहता है कि भाई एड टू कार्ट होगा कार्ट में जाएगा ये लॉजिक बिल्कुल सेम है अब यहाँ बात करते हैं लॉजिक को पूरा हटा दो अपने तरीके से कुछ डिज़ाइन करो कैसे करोगे लॉजिक तो आपको एक ही पता है तो जब डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक की बात आ जाती है तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए ठीक है जितना आप सिंपल सी बात है जितना आप प्रैक्टिस करोगे सारे कॉन्सेप्ट उसको फिर आप अपने डेली रूटीन में जो भी आपकी एक रेगुलर एप्लीकेशन है उस पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देख पाओगे डिफरेंस ठीक है तो उनको ये कहना चाहूँगा अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो अच्छी जगह पे हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की उसके बेस पर आप बेटर सोच पाते हो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो पाते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डू यू रियली नीड डेटा स्पेशल ग्रुथम येस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देन आफ्टर यू कैन डिसाइड कि मुझे एडवांस में जाना है या नहीं जाना है एडवांस की बात करते तो मतलब और मुझे प्रोग्राम्स बनाने हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जितनी आप चीज़ें करोगे इसकी कोई गाइस कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि एक साल मेरा खत्म हो जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे जितना जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप अपने आप को ग्रूम करोगे बस यही एक मंत्र है ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है मैं ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दे रहा इस वीडियो में कि ये कर लो ये वाली मेडिसिन खा लो आपका काम हो जाएगा आई थिंक आप यदि सारी बातें कनेक्ट कर पा रहे होगे सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज और मैं इस वीडियो के थ्रू सारे जो डाउट्स थे आपके वो क्लियर करना चाहता था ताकि वो जो क्वेश्चन आते कि मुझे करना है नहीं करना है मैंने आपको क्लियर बता दिया है जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपने खतरनाक वाला डेटा सेक्शन नहीं भी कर रखा तब भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी आपके लैंग्वेज के बेस में जो आपको लैंग्वेज आती है उसमें अगर हम थोड़ा सा और टेस्ट ऐड कर दे लाइक एस्टिमेल सी तो उसका आपको फायदा ज़रूर मिलेगा आपके टाइम में जो रिएक्ट चल रहा है एंगुलर चल रहा है वो सब चीज़ें आप एड ऑन करके अपने आप को आगे सेल कर सकते हो एट एट लास्ट हम क्या है सब प्रोडक्ट ही है ना तो दिस इज समथिंग मैं आपको बोलना चाहता हूँ बट येस पैके पैसा चाहिए पैकेज, चाहिए पैकेज चाहिए हायर पैकेज चाहिए तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करते हो तो उसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलेंगे तो अगर आपका तीन चार साल का एक्सपीरियंस हो गया और नाउ यू आर थिंकिंग तो डेफिनेटली आप कर सकते और जल्दी कर सकते हो क्योंकि आपके लैंग्वेज वाले जो कॉन्सेप्ट है अच्छे होंगे तो आप जल्दी से कोर्ट समझ लोगे अच्छा ऐसा हो रहा है तो जितनी भी बनी बने एल्गोरिथम है पहले उनको देखो कैसे काम कर रही है अच्छे से पता होना चाहिए उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको रिलेट करो उन एलग्रथम के साथ अच्छा मैं यहाँ पे एरे लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे क्यू यूज़ कर सकता हूँ ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं गाइस ठीक है आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना उस पर भी हम वीडियो बना देंगे बाकी निराश मत होना जो रिएक्ट और एंगुलर का वेट कर रहे थे उनके लिए भी वीडियो आ जाएगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मैं वेडनसडे आता हूँ आप लोगों से बात करता हूँ इस तरीके से इंटरेक्ट करता हूँ एंड डेट्स इट फ्रॉम माई साइड एनीथिंग एल्स सो प्लीज़ आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना शेयर जरूर करना क्योंकि आपका एक शेयर गाइज क्या पता किसी के लिए हेल्पफुल हो क्योंकि गाइज हमेशा अपने बारे में मत सोचो आप जो कर रहे हो आपसे कोई नहीं छीनेगा बट अगर आप किसी की हेल्प कर दोगे तो उसकी आपको ब्लेसिंग जरूर लगेगी थैंक यू सो मच गाइज सर वॉचिंग दिस मिलता हूँ बहुत ही जल्दी और साथ ही साथ सैटरडे को आने वाला इंटरव्यू जिसमें हमने बात करी है डेटा क्या लाइन है एम में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं डेटाबेस को लेके उस पर हमने एक इंसान को इनवाइट किया है हमारे चैनल पे वो सारे आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और थैंक यू सो मच गाइज मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और एक और बात गाइज वीडियो खत्म करने से पहले बोलना चाहता हूँ अगर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कराना चाहते हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे व्हाट्सअप पर पिंक कर सकते हो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा क्या है एवरी सो दैट्स इट मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखिए अपना और कुछ और अगर रह गया हो तो कमेंट में बता देना मैं आंसर करूंगा सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन